नमस्कार दोस्तों, आज हमारे सामने है टाटा मोटर्स की 410/36 बस चेसिस पर बनी हुई टाटा मार्को पोलो के द्वारा बिल्ड की गई एक शानदार स्कूल बस, जो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लुक में लग रही है। आज हम इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू आपको देने वाले हैं, तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए आप इस गाड़ी का फ्रंट लुक। ये नेक्स्ट जनरेशन मार्को पोलो का डिज़ाइन है, काफ़ी बढ़िया लगती है गाड़ी, और ख़ासकर ये जो स्टार बस सीरीज़ है इनकी बहुत पॉपुलर हुई थी, और ये लुक आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर ये मार्को पोलो का लोगो, यहाँ पर टाटा का लोगो है, काफ़ी अच्छी यहाँ पर सिल्वर कलर में फिनिशिंग दी गई है आपको। यहाँ पर आपको मिलते हैं ड्यूल हैलोजन हेडलैम्प, यहाँ पर हैलोजन इंडिकेटर है, और ब्लैक बॉर्डर आप देखिए यहाँ से शुरू होकर ऐसी जाती है। जो फ्रंट लुक है ऐसा लगता है कि गाड़ी स्माइल कर रही है, जो बहुत अच्छी बात है। और इस बस में मिलते हैं आपको क्रॉस टाइप वाइपर्स, नीचे आपको फॉग लैम्प के लिए स्पेसिंग दी गई है, और ये देखिए आप इस साइड में इसकी चेसिस आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक प्रॉक्सिमिटी मिरर मिलता है, अपर साइड में दो हाइट मार्कर लैंप्स हैं, जिसकी मदद से गाड़ी की जो हाइट है आप रात में पता लगा सकते हैं। टाटा मोटर्स की मार्को पोलो की जो गाड़ियाँ होती है वो धारावड़ में बनती है। यहाँ पर देखिए टाटा मोटर्स ने पीडीआई इसका किया है, शावर टेस्ट ओके है, और ट्रिम जो है ट्रिम लाइन वो भी ओके है, मतलब सब क्वालिटी लेवल चेक होने के बाद ही गाड़ी कस्टमर तक आती है। यहाँ पर साइड इंडिकेटर और साइड मार्कर लैम्प, यहाँ पर एयर फिल्टर लोकेशन है इसका। इसी के साथ साथ इस बस के टायर साइज़ की बात कर ले तो इसमें आपको मिलते हैं 215/75 R17 सेक्शन के टायर्स, और इस गाड़ी के फ्रंट एक्सल पर आपको दिए गए हैं लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन। अगर इस साइड में कोई मोटरसाइकिल वगैरह होती है तो आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। ये है इसका साइड डोर, और यहां पर भी आपको एक स्टेप दी गई है, आगे स्वाद। यहां पर भी आपको एक स्टेप मिलती है जो बाहर आती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर चढ़ने के लिए तकलीफ होती है, ज़्यादा स्पेस बड़ा होता है, इस टेप की मदद से वो बड़ी आसानी से इस बस में चढ़ सकते हैं। यहाँ से लीवर है, ये खींचने के बाद ये स्टेप जो है बाहर निकल आती है। यहाँ पर बैटरी बॉक्स है इसका, और ये इसका रियर एक्सल। रियर एक्सल पर आपको यहाँ पर डबल व्हील मिलते हैं, और ये इसका लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन। चेसिस भी काफ़ी अच्छी खासी है इसमें, साइड में आपको प्रोटेक्शन गार्ड भी दिए गए हैं। इसमें स्लाइडिंग विंडोज़ मिलते हैं, और यहाँ पर इसका स्पेयर व्हील लोकेशन, यहाँ से आप अंदर रॉड डालोगे तो यहाँ से आप एक्सेस कर पाओगे स्पेयर व्हील को। यह है इसका रियर लुक। यहाँ पर टाटा स्कूल की बैजिंग है, यहाँ पर मार्को पोलो का लोगो है। मार्को पोलो जो कंपनी है ब्राज़ील की बहुत बड़ी बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इनकी जो ब्राज़ील वगैरह में साइड में बसेस है वो बहुत नेक्स्ट लेवल पर जाती है। हमें टाटा मोटर्स की वजह से इंडिया में मार्को पोलो जैसे प्रीमियम बस ब्रांड का अनुभव मिल रहा है। यहाँ पर बस की रियर साइड में आपको मिलते हैं 5 रिवर्स पार्किंग सेंसर, से देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। इसी के साथ साथ रियर फॉग लैम्प के लिए आपको यहाँ पर स्पेसिंग दी गई है। रियर साइड में आपको मिलते हैं हैलोजन बेस्ड टेल लैम्प, यहाँ पर ब्रेक लैम्प है, यहाँ पर इंडिकेटर लैम्प है, यहाँ पर रिवर्स लैम्प है, यहाँ पर रियर साइड में एक रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। लाइसेंस प्लेट लैम्प के लिए यहाँ पर जगह दी गई है, और यहाँ पर एक लाइसेंस प्लेट लैम्प भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर हाई माउंट ब्रेक लैम्प है, यहाँ पर रियर इमरजेंसी एग्जिट है, अपर साइड में 2 आपको हाइट मार्कर लैंप मिलते हैं, और रिफ्लेक्टर टेप और स्कूल बस का लोगो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इस साइड में आप देख सकते हैं ये गाड़ी का ड्राइवर साइड लुक। यहाँ पर रियर साइड में इमरजेंसी एग्जिट मिलता है, यहाँ पर एक स्टेप दी गई है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इसे आपको 4 साइड मार्कर लैंप मिलते हैं। इसी के साथ साथ टायर कूलिंग के लिए, मतलब टायर चलता है तो गर्म भी होता है, तो यहाँ पर एयर फ्लो बने रहने के लिए यहाँ पर देखिए मडगार्ड में प्रोविजन किया गया है हवा आने के लिए, मतलब टायर ठंडा रहे गर्म ना हो। यह इसका फ्यूल टैंक लोकेशन। यहाँ पर इमरजेंसी ग्लास आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी मिरर है, यहाँ पर साइड मिरर है, यहाँ से खुलता है ड्राइविंग साइड डोर। ये देखिए ड्राइवर डोर इस प्रकार दिखता है इसका, सिंपल है। यहाँ पर न्यूज़पेपर होल्डर है, यहाँ पर बॉटल होल्डर आपको मिलता है, जो दोनों में मर्ज करके दिया है, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर लॉक अनलॉक का लीवर मिलता है, यहाँ पर ग्रैब हैंडल है, कुछ स्लाइडिंग विंडोज़ मिलती है, यहाँ पर 2 स्टेप दिए गए हैं चढ़ने के लिए, आपको यहाँ पर एक हैंडल दिया गया है जिसकी मदद से आप अंदर एक्सेस कर पाओगे बड़ी आसानी से। ये है इसका शानदार डैशबोर्ड, इसमें आपको मिलता है 4 स्पोक स्टेयरिंग व्हील। टाटा मोटर्स ने BS6 में सभी गाड़ियों में अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को अपडेट किया है। ये देखिए इस प्रकार ये ऑन होता है, इसमें आपको एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें यहाँ पर RPM मीटर है, यहाँ पर ऑयल टेम्परेचर गेज है, यहाँ पर स्पीडोमीटर है, यहाँ पर फ्यूल लेवल गेज है, साथ ही साथ यहाँ पर ओडोमीटर है, यहाँ पर ट्रिप मीटर है, यहाँ पर एयर प्रेशर गेज है, यहाँ पर एडव्यू लेवल का गेज है, यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी का गेज आपको दिखता है। देखिए अभी इस गाड़ी ने 10 का माइलेज दिया है, यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको मिलता है, यहाँ पर क्लॉक दी गई है,
यहाँ पर बैटरी वोल्टेज गेज है, यहाँ पर है रीजनरेशन ऑन करने का बटन और यहाँ पर है रीजनरेशन ऑफ करने का बटन। इसी के साथ साथ ये डमी स्विचेस आप देख सकते हैं, डमी स्विचेस, यहाँ पर हेवी मोड का बटन है, अगर कुछ ज़्यादा ही लोड होगा तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जॉस्ट ब्रेक का कंट्रोल आपको मिलता है, यहाँ पर फ़ैन का बटन है, ये देखिए यहाँ पर फ़ैन आपको मिलता है इनवेल कंपनी का, उस बस में भी यही फ़ैन था और इस बस में भी आपको यही फ़ैन मिलता है। इसकी मदद से आप कैबिन लाइट्स लगा सकते हैं, अपर साइड में काफ़ी अच्छा यहाँ पर डिज़ाइन बनाया गया है और ये दो लाइट्स इस बटन की मदद से कंट्रोल होते हैं। और सबसे अच्छी बात भाई, ये लाइटिंग स्विचेस है, मतलब देखिए अंधेरे में ये लाइट जो है वो ग्लो होता है, ये देखिए इसका अभी येल्लो हो गया, मतलब बटन चालू हुआ ऐसा। ये सर्विस लैंप है और ये डोम लाइट का लैंप है, ये देखिए यहाँ से हम जिसे ऑन करेंगे, ये देखिए ऑन हो गया। यहाँ पर अगर आप म्यूजिक सिस्टम लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर स्पेसिंग दी गई है, आप इसमें आफ्टर मार्केट म्यूजिक सिस्टम फिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको आने नहीं वाली है। यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल्स है और यहाँ पर क्रूज कंट्रोल का बटन आपको दिया गया है, रिसेट सेट आपको आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर पास लैंप है, यहाँ पर इंडिकेटर आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं इंडिकेटर का आवाज़, बिल्कुल वॉल्वो जैसा आपको हेडलैम्प नॉब मिलता है आपको यहाँ पर। यहाँ से क्लच फ्लूड का टैंक है, इसके अंदर आप इसका क्लच फ्लूड डाल सकते हैं और इसे आप कवर इस प्रकार से आप इसे कवर कर सकते हैं। यहाँ पर भी क्लच फ्लूड लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हजार्ड लैंप का बटन है, ये देखिए, यहाँ पर बैटरी कट ऑफ स्विच है, यहाँ पर OBD कनेक्टर दिया गया है, अगर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप इसकी मदद से चेकआउट कर सकते हैं। हेडलैम्प लेवल एडजस्टमेंट का बटन है। अभी बहुत सारे जो नए भाई है जो ड्राइविंग करना सीख रहे हैं तो उनके लिए एक टिप मैं बताता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी का ये जो बटन होगा ये होता है बैटरी कट ऑफ स्विच, अगर ये बटन बंद कर दिया जाए तो गाड़ी बंद हो जाती है। और अगर कोई नया ड्राइवर बैठता है तो उसे लगता है भाई गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, तो इसका एक ये रीज़न भी हो सकता है कि आपने बैटरी कट ऑफ स्विच जो होता है उसे चालू नहीं किया है। ये देखिए ये चालू करने के बाद मतलब गाड़ी अभी ऑन पोजीशन में आ चुकी है। BS6 गाड़ियों में बैटरी कट ऑफ स्विच सभी कंपनियां दे रही है, जो एक काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है। यहाँ पर चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर एक पोर्ट दिया गया है, पर फ्रंट डोर ओपन और यहाँ पर इमरजेंसी डोर ओपन के यहाँ पर दो इंडिकेटर दिए गए हैं, मतलब देखिए अगर कोई ये डोर या पीछे वाला डोर अगर खुलता है तो यहाँ पर दिख जाता है कि ये डोर खुल चुका है। मार्कोपोलो ने इसमें काफ़ी अच्छे से इंजन रूम को मैनेज किया है, यहाँ पर एक सीट दिया गया है जिसके नीचे आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है, यहाँ पर टूल बॉक्स मिलता है और फायर सप्रेशन सिस्टम का सिलेंडर लगा हुआ है। यहाँ पर मिरर है, इसी के साथ साथ यहाँ पर फैन है, यहाँ पर सनवाइजर मिलता है आपको, ये देखिए इस गाड़ी की डिटेल्स, ये देखिए यहाँ पर आपको एक ग्लोव बॉक्स मिलता है इसका, यहाँ पर भी आप थोड़ी फायर आपको स्पेसिंग मिल जाती है। इसे बंद करने के लिए आपको ये नॉब घुमाने हैं, यार एकदम एरोप्लेन जैसा फीलिंग आ रहा है भाई, कॉक घुमाने पड़ रहे भाई, ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। इसका फायर सप्रेशन सिस्टम मतलब किसी जोन में आग लगती है, चाहे ये फ्रंट जोन हो, बैक जोन हो या लगेज रूम हो, अगर किसी भी जोन में आग लगती है तो आपको यहाँ पर दिख जाता है। यहाँ पर एक स्पेसिंग दी गई है, यहाँ पर एक स्पेस दी गई है, यहाँ पर एक हूटर है, यहाँ पर दो लैंप्स मिलते हैं। और चलिए अब इसके अंदर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं अंदर से गाड़ी कैसी है। और जो सीट का कलर है काफ़ी अच्छा लगा मुझे, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जो पोल है यहाँ पर ग्रे कलर में मिलता है, एसी जल की बसेस में आपको ग्रीन कलर का मिलता है, आपको यहाँ पर ग्रे कलर में दिया गया है। अपर साइड में हेडरैक मिलता है और सीटिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पर साइड में भी हैंडल आपको मिलते हैं, यहाँ पर पीछे आपको एक दो तीन ऐसे तीन हैंडल मिलते हैं। और इस बस में अगर हम गिने बच्चों को तो देखिए एक सीट पर तीन बच्चे बैठेंगे, तो मतलब एक रो में छः बच्चे होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 5, मतलब 6 5 30 33 36 और ये 37। बहुत सारे बच्चों की बैक साइज अलग अलग होती है जिसकी वजह से स्पेस कम पड़ जाती है, इसमें वैसे कोई दिक्कत आपको आने नहीं वाली है क्योंकि अपर साइड में आपको काफ़ी बड़ा लगेज रैक मिलता है और हर सीट के नीचे भी आपको यहाँ पर एक स्पेसिंग दी गई है बैग्स वगैरह को रखने के लिए। और ये देखिए इसका जो लेग रूम है वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब मेरी जो हाइट है दोस्तों ऑलमोस्ट 6 फीट की है, तो भी मैं कम्फर्टेबल इसमें बैठ पा रहा हूँ। और देखिए इतना गैप है ऑलमोस्ट इतना, मतलब 4 उंगली जितना गैप है, जो एक अच्छी बात है। और अगर इसमें पैर पसार के बैठूंगे तो भी कोई इसमें दिक्कत आने नहीं वाली। और हर सीट के पीछे आपको यहाँ पर आपको एक हुक और हैंडल मिलता है। रियर सीट की बात कर ले तो देखिए रियर सीट में आपको एक जॉइंट सीट मिलता है और यहाँ पर एक हैमर है, यहाँ पर इमरजेंसी बटन मिलता है आपको, मतलब हर विंडो पर आपको इमरजेंसी बटन मिलता है। देखिए यहाँ पर आपको एक टूल बॉक्स मिलता है, जब ये गाड़ी की डिलीवरी होगी तब एक टूल बॉक्स भर दिया जाएगा टूल से, आपातकालीन परिस्थिति में आप इसे तोड़कर बाहर आ सकते हैं। और फ्लोरिंग की बात कर लें तो इसमें आपको मिलती है एंटी स्किड विनाइल फ्लोरिंग जिस पर फिसलन नहीं होती है। पीछे आपको एक हैमर मिलता है, यहाँ पर दो हैमर मिलते हैं और
इस गाड़ी का सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग फीचर है, यानी कि फायर सप्रेशन सिस्टम। इस बस में फायर सप्रेशन सिस्टम लगा हुआ है, मतलब अगर गाड़ी में इन चांस कभी आग लगती है तो गाड़ी अपने आप ही अपनी आग बुझा सकती है, जो एक काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर लगा मुझे। ये देखिए, यहाँ से वायर कनेक्शन है और ये जो होस है, ये जो इसका पाइप है, यहाँ से नीचे गया है। और ये अगर कोई डिक्की वगैरह में आग लगती है, कुछ जगह पे आग लगती है, तो गाड़ी आराम से आग को बुझा सकती है, कंट्रोल में ला सकती है। ये इस प्रकार खुलता है। ये देखिए, यहाँ पर इसमें आपको सीजर डोर मिलता है। बस के टोइंग पर्पज़ के लिए आपको यहाँ पर बड़ा सा टोइंग रॉड मिलता है भाई, कम से कम है दोस्तों ये 3 से 4 किलो का तो आराम से होगा। और देखिए, सीट बेल्ट दिया गया है, इस साइड में फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है। दोस्तों, ये जो बस है और ये जो बस है, दोनों की चेसिस सेम है पर बॉडी बिल्डर अलग है। मतलब ये गाड़ी ACGL ने बनाई है और अपनी बस मार्को पोलो ने बनाई है। दोनों में से आपको कौन सी अच्छी लगी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इस बस में अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर एक्सीलेटर ब्रेक और यहाँ पर क्लच दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक पोर्ट भी मिलता है। अगर आप वॉश करते हो इस एरिया को तो आप यहाँ से भी पानी निकाल सकते हो बाहर। इतना बारीक ध्यान रखती है मार्को पोलो अपनी बसेस को डिज़ाइन करते वक्त। ऑल राइट गाइस, तो ये थी टाटा मोटर्स की 410/36 मार्को पोलो बिल्ट बस। इस बस की बॉडी बिल्डिंग मार्को पोलो करती है धारावड़ में। और इस बस के प्राइसिंग की बात कर ले तो 20.5 लाख रुपए इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत है। ऑन रोड कीमत आपके राज्य में ऊपर नीचे हो सकती है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। और अगर आपको ये बस नासिक, धुले, नंदुरबार में खरीदनी होगी तो आप डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज थोड़े हमने ज़्यादा मेहनत कर ली भाई, क्योंकि 3 गाड़ियों को आटे हमने शूट कर लिया, शौकीन आदमी किसी को तो छोड़ना, जिसकी वजह से थोड़ा सा आवाज़ वगैरह आपको डिफरेंस लग रहा होगा। अगर दोस्तों हमारी ये मेहनत आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।